हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए एकदम। आइए, आज का सब्जेक्ट हमारा है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, मतलब विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा विज्ञापन प्रति का निर्माण, कि विज्ञापन प्रति हम कैसे तैयार करेंगे, विज्ञापन प्रति होता क्या। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर। ताइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन प्रति का निर्माण, सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञापन प्रति होता क्या। विज्ञापन प्रति होता क्या? कोई भी विज्ञापन, कोई भी कंपनी, व्यक्ति, संस्था, कोई भी है, जब ऐड करता है तो करने से पहले उसमें जिन संदेशों को या विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन प्रति कहा जाता है। मतलब कि विज्ञापन में जो जो मैटर हम देते हैं और मैटर किस हिसाब से देंगे वो वस्तु की प्रकृति ऐड करने के नेचर पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रोग्राम तैयार किया कि हमें विज्ञापन इस ढंग से, इस प्रकार से करना, ठीक है, तो उस प्रोग्राम में, उस मैटर में हमारी विषय वस्तु क्या हुई, कौन सा ऐसा मुख्य तत्व होगा जिससे ग्राहक, लोग, पब्लिक, जनता इंप्रेस हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, तो उसी के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? विज्ञापन प्रति कहा जाता है। जैसे कि देखते होंगे कि हर एक चीज में कुछ कोटेशन डालते हैं, जैसे बाटा के बूट न झूट न लूट, इसके मतलब ये उसका एक लोगो हो गया। ठीक इसी तरह भिक्स की गोली खिसखिस दूर करेगी, ये क्या है? विज्ञापन प्रतिरूप है। कहने का मतलब है डाबर का नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूर को, कहने का मतलब है हम उस वस्तु का प्रचार तो कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन उसकी किसी विशेष गुणों की विषय वस्तु को भी उसमें रखते हैं, जिसको हम एक शब्द में, एक लाइनों में, एक वाक्य में कहते हैं, जो हमारा एक तरह से लोगो के रूप में काम करता है और उससे पब्लिक तुरंत प्रभावित हो जाती है। जैसे चिमटी की घड़िया ही खरीदिए, तमाम चीज है, भारत की बनी हुई एटलस साइकिल ही खरीदिए, ये सब क्या है? विज्ञापन प्रतिरूप के उदाहरण है, ठीक है। तो विज्ञापन प्रतिरूप होता क्या है कि विज्ञापन में प्रस्तुत किए गए संदेशों की विषय वस्तु जो होती है उसी का प्रतिरूप ही, उसी का एक ढांचा ही, एक खाका तैयार करना ही विज्ञापन प्रति कहा जाता है। मतलब विज्ञापन में लिखे संदेशों की जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु का जो प्रतिरूप होता है, संक्षिप्त अक्षर होता है, उस प्रतिरूप को उसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन प्रति कहा जाता है। समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि विज्ञापन प्रति आजकल जितनी भी कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, चाहे सेल्स प्रमोशन वाली कंपनी हो, हर विज्ञापन प्रतिरूप का निर्माण करती है। क्योंकि बिना विज्ञापन प्रति, बिना लोगे, बिना सिंबल्स या बिना किसी पहचान का मार्केट में इमेज बनाना इतना सरल नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी कंपनियां हैं और इतने एड हैं कि यदि लाइन से देखते रह जाएंगे तो देखते ही रह जाएंगे, और हर एक एड सबसे डिफरेंट होता है, एक जैसा कोई नहीं होता, और सबकी कुछ न कुछ अपनी एक विशेषता होती है, सबका प्रदर्शन करने का ढंग, तौर तरीका भी अलग होता है। ये सब विज्ञापन प्रतिरूप के कारण है। जब एक ही जैसा विज्ञापन सारे चीजों का होने लगा तो उसमें अंतर ही क्या लगेगा, कैसे लोग जानेंगे कि किस चीज का एड है, किस चीज का एड नहीं है? देखते होंगे हर एक डिफरेंट होता है, क्योंकि सब में मैटर अलग अलग होते हैं, भले सेम इक्वल वस्तुएं हैं लेकिन उनके मैटर अलग होते हैं, उनका लोगो, बोलने का स्टाइल, कहने का तौर तरीका, सब कुछ अलग होता है। पर
प्रश्न ये उठता है कि इस विज्ञापन प्रति में क्या विशेषता या लक्षण पाए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक था विज्ञापन प्रति की विशेषता या लक्षण। विज्ञापन प्रति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं कि माना जाता है कि यह विज्ञापन प्रति है। पहला है ध्यान आकर्षण तत्व। पहला क्या है? ध्यान आकर्षण तत्व। ध्यान आकर्षण तत्व का मतलब होता है क्या? कि जब हम विज्ञापन का किसी भी चीज का ऐड कराने से पूर्व जो उसमें मैटर लिखते हैं, तो कुछ मैटर इतने इंप्रेसिव होते हैं, ऐसे मैटर डाला जाता है कि जो इंप्रेसिव हो, तुरंत पब्लिक या जनता को ध्यान उस पर आकर्षित हो जाए, तो यह तत्व उसमें विद्यमान होने चाहिए। मतलब विज्ञापन प्रति में ध्यान आकर्षण का तत्व होना चाहिए। दूसरा स्मरण तत्व। स्मरण तत्व का क्या मतलब होता है? कि कोई भी एड देखते हैं उसका मतलब तो समझ जाएंगे कि फला चीज का एड है, लेकिन कुछ बातें उसमें याद करने योग्य होती है। जैसे कि मैं अभी बताया, बाटा के बूट न लूट न छूट, मतलब न छूट न लूट। कहने का मतलब है कि जो बाटा के जूते हैं उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन लूट उसकी मची हुई है। ठीक इसी तरह भिक्स की गोली किस किस दूर करे। भिक्स का तो दुनिया भर का प्रचार किया, लेकिन ये उसका एक संदेश है जो पूरे विज्ञापन को याद न करके वो थोड़ा सा आधा लाइन का जो शब्द है वो लोगों के मस्तिष्क में घुसता है कि भिक्स की गोली किस किस दूर करे। मतलब इसका मतलब है भिक्स की गोली खाएंगे तो हमारे गले में जो खराश है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो स्मरण तत्व लोगों को मेमोरी में ही रहता। अगला है सुझाव तत्व। सुझाव तत्व क्या होता है? कि कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं कि जिसमें पब्लिक को कुछ सुझावात्मक बातें कही जाती हैं, मतलब उसमें सुझाव दिए जाते हैं। सुझाव कैसे दिया जाता है? डाबर नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल। कहने का मतलब है डाबर का तेल लगाइए सर पे, एकदम कूल कूल हो जाइए। तो ये सुझाव संबंधी, मैंने लोगों को इस हिसाब से ऐड कराया जाता है, बताया जाता है ऐड के माध्यम से कि लोग उसको समझे कि हाँ सर दर्द कर रहा है तो हमें नवरत्न तेल लगाना चाहिए। तो सुझाव वाला तत्व इसमें होना चाहिए। अगला क्या है? शिक्षा तत्व। शिक्षा तत्व। शिक्षा तत्व का मतलब है कि विज्ञापन में कुछ शिक्षाप्रद बातें भी होनी चाहिए। ऐसा बातें जो ज्ञानवर्धक हो, लोगों की जानकारी के लिए हो, उन्हें उस चीज को जानना उतना आवश्यक हो, हर व्यक्ति को जानना आवश्यक हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज है, जैसे तमाम खाना बनाने वगैरह वाले मसाले वगैरह आते हैं, कैसे पकवान किए जाए, मतलब ये सब शिक्षाप्रद बातें हैं। मतलब कुछ नई नई जानकारियों के बारे में अपने विज्ञापन के माध्यम से बताएं, लोगों को जागरूक करें कि कार्य ऐसे होता। अगला है भावनात्मक। भावनात्मक तत्व का मतलब है कि विज्ञापन में कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो लोगों की भावनाओं को उत्सुक करते हैं, उजागर करते हैं, अर्थात लोग उस विज्ञापन के प्रति एकदम आकर्षित हो जाते हैं, उस विज्ञापन की भावना में डूब जाते हैं। जैसे भारत की बनी एटलस साइकिल ही खरीदी है, इसके मतलब यह है कि कंपनी एटलस कंपनी इंडिया की सबसे टॉप कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है मैं स्पेशली एटलस का नाम दे रहा हूँ। सारी कंपनियां अपने अपने जगह पे हैं, हीरो भी अपने जगह पे है, एटलस भी अभी अपने जगह पे है, हरकुलस भी अपने जगह पे है, सारी कंपनियां अपने अपने जगह पे है और सब बेहतर है। लेकिन विज्ञापन कराते समय उसमें उसका नाम जोड़ दिया जाता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ये है वो है तमाम चीज, मैंने ताकि लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में सबसे बड़ी। अगला है विश्वास तत्व। विश्वास तत्व क्या होता है? कि अपने प्रचार के माध्यम से, एड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से कुछ ऐसे
इंप्रेसिव बातें रखी जाती हैं ताकि जनता का पब्लिक का आसानी से उस पर विश्वास हो जाए कि एकदम सही है। जैसे मान लीजिए इसका प्रयोग खाने पीने वाली वस्तुओं तथा आखेट या संचय की प्रकृति या कौतूहल वाले वस्तुओं पर इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है ताकि लोग पब्लिक का विश्वास हो जाए। जैसे अलीगढ़ के ताले, इसका मतलब यह है कि वह ताला लगाएंगे तो किसी चाबी से नहीं खुलेगा, बरेली का सुरमा। ऐसे ऐसे विश्वासात्मक तत्व होते हैं जिसका नाम फेम बहुत पहले से चला आ रहा, इसके मतलब एकदम वो पूर्णतः विश्वसनीय है। अगला है विज्ञापन संबंधी बुराइयों से दूर। विज्ञापन संबंधी बुराइयों से दूर, कहने का मतलब है कि विज्ञापन में कुछ ऐसी भी चीजें लिखी जाती हैं कि जो सामान्य जनजीवन में कुछ बुराइयां यदि हैं तो उनको उस विज्ञापन के माध्यम से दूर किया जा सके। जैसे देखते होंगे प्रेजेंट टाइम में कोरोना वगैरह चल रहा है, जितनी भी साबुन बनाने वाली कंपनियां वगैरह हैं तो हैंड वॉश वगैरह है, तमाम चीजें हैं, उसको कहते हैं क्या नाम है कि साफ सफाई रखी कोरोना दूर हो जाएगा, कोरोना जल्दी नजदीक नहीं आएगा। बात तो सही है, जब साफ सफाई रखेंगे, परहेज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे या जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन ये क्या है, कोई भी बुराई है उसको दूर करने का विज्ञापन के माध्यम से प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस चीज को करने से फिर बीमारी नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों की तरफ से अपना प्रयास ये रहता है कि बीमारियां। ठीक है, तो ये है आपके विज्ञापन प्रति की विशेषता या लक्ष्य। आगे प्रश्न बढ़ते हैं कि विज्ञापन प्रति का निर्माण करते समय हम कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे या विज्ञापन प्रति का निर्माण की क्या प्रक्रिया, इसको लिखते हैं विज्ञापन प्रति का निर्माण करते समय सावधानियां या प्रक्रिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। कहने का मतलब है कि जब भी एक अच्छा विज्ञापन प्रति तैयार करते हैं तो उस समय हम किन किन प्रोसेस से गुजरते हैं या उस समय क्या सावधानियां बरतते हैं, इसको जानिए। सबसे पहले विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। हम जो ऐड कर रहे हैं, जो प्रचार हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम विज्ञापन प्रति का निर्माण कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है विज्ञापन उद्देश्यों का निर्माण, विज्ञापन उद्देश्यों का निर्माण। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से हम ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमारा है परिसीमाओं का निर्धारण करना। दूसरा क्या है, परिसीमाओं का निर्धारण करना। इसका मतलब है कि देखते होंगे कि विज्ञापन जब कराया जाता है तो उस विज्ञापन में बहुत सारी चीज, हर तरीके के विज्ञापन होते हैं, लेकिन सभी विज्ञापनों की एक सीमा होती है कि मतलब अब इस सीमा से आगे अधिक एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, क्योंकि यदि उससे अधिक बोलेगा तो समझिए कि लोग जान जाएंगे कि बस ये फेंक रहे हैं। इसलिए विज्ञापन हमेशा एक की एक सीमा होती है जहां तक हम अपनी बात को कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि विज्ञापन में आप कुछ भी बोल दें, विज्ञापन में अपने वस्तु की विषय वस्तु के बारे में ही उल्लेख किया जाता है, अन्य किसी चीजों के बारे में नहीं। यहां तक कि देखते होंगे कि विज्ञापन में दूसरे किसी वस्तु या प्रोडक्ट या कंपनी की बुराई नहीं की जाती है, वो केवल अपने वस्तु के गुणों और स्वभावों के बारे में बताता है, यही विज्ञापन होना चाहिए। अगला है विज्ञापन अपील का निश्चय करना, विज्ञापन अपील का निश्चय।
विज्ञापन अपील का निश्चय करने का मतलब है कि जब ऐड किया जाता है, विज्ञापन प्रति तैयार किया जाता है, तो उसमें हम अपील कहां तक कर सकते हैं, मतलब कितने पब्लिक को तक हम अपनी बात को रख सकते हैं, उसकी भी एक सीमा निर्धारित की जाती है। ये भी निश्चित किया जाता है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करना है कि प्रादेशिक स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कि पूरे विश्व स्तर पर विज्ञापन करना है, ये अपील निश्चय किया जाता है। ठीक है, अगला इसमें है खाका निर्माण, विज्ञापन का खाका निर्माण, विज्ञापन का खाका तैयार करना, खाका तैयार करना। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई विज्ञापन प्रति तैयार की जाती है तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर, खाका, ढांचा तैयार किया जाता है, उसका विश्लेषण भी किया जाता है, क्या यह पब्लिक में जाएगा तो क्या संदेश प्रस्तुत करेगा, तो यह तैयार करना चाहिए। अगला है प्रतिलेखन, प्रतिलेखन, प्रतिलेखन का मतलब होता है राइटिंग कॉपी, जो हमेशा विज्ञापन का जो प्रति तैयार किया जाता है लिखित रूप में प्रयास किया जाता है कि तैयार किया जाता है, क्योंकि लिखित रूप में जो विज्ञापन की प्रति तैयार की जाती है वो थोड़ा बेहतर मानी जाती है, मौखिक रूप में या ऐसे ही कह दिया गया तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब एडवर्टाइजिंग में वो चीज लिख किया जाता है तो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, तो इसका प्रतिलेखन भी तैयार किया जाना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि विज्ञापन का खाका तैयार करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और एक हमारा है पहले विज्ञापन प्रति के, पहले आइए विज्ञापन प्रति के प्रकार, विज्ञापन प्रति के प्रकार, कि विज्ञापन प्रति कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानिए। सबसे पहले विज्ञापन प्रति सूचनात्मक प्रकृति की होती है, कौन कौन से प्रकार है, सूचनात्मक प्रति, सूचनात्मक प्रति, सूचनात्मक प्रति का मतलब क्या होता है कि विज्ञापन ऐसा हो जो जनता में सूचनाएं प्रदान करे, जन संदेश प्रदान करे, लोगों को उस वस्तु के बारे में उत्सुक करे, जागरूक करे, वहां तक सूचनाएं प्रेषित करे। दूसरा सुझावात्मक प्रति, दूसरा है सुझावात्मक, दूसरी विज्ञापन प्रति होती है उसमें सुझाव से संबंधित रिलेटेड बातों का उल्लेख किया जाता है, मतलब पब्लिक को, जनता को सुझाव दिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसे सिस्टम से गुजरिए, इस तरह से करिए, इसके ये फायदे, ये मेरी डिमेरिट वगैरह है। कारण आधारित प्रति, अगला है कारण आधारित प्रति, बहुत से ऐसे विज्ञापन प्रति होते हैं जो रीजन के द्वारा होते हैं, रीजन मतलब है कि उसमें बताया जाता है कि इस सिचुएशन में एक चीज हो सकता है, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो या क्रिएट होने से पहले ही हमको ये चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, तो कारण आधारित प्रति होता है। ठीक है, अगला है शिक्षात्मक प्रति, शिक्षात्मक प्रति, यह एक तरह से ज्ञान, ज्ञानवर्धक प्रति होता है, शिक्षात्मक प्रति माने लोगों को ज्ञान बांटता है, कुछ उपदेश देता है, कुछ सुझाव देता है, कुछ नई नई जानकारियों के बारे में बताता है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। एक होता है मानव कल्याण प्रति, मानव कल्याण प्रति, ये क्या होता है, जो मनुष्य के कल्याण के हित में जो ऐड किए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, वो मानव कल्याण के हित में होते हैं, जैसे देखने होंगे डाबर च्यवनप्राश वाले लोग ऐड देते हैं तो क्या है, मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित, मानवीय जीवन के कल्याण के संबंधित उसमें ऐड दिए जाते हैं, मतलब उसको खाने के बाद शरीर में तंदुरुस्ती आएगा, एकदम फिटनेस बनी रहेगी हमारी, तो क्या है लोग के जीवन जीने के लिए ऐसा विज्ञापन प्रति तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला है तुलनात्मक प्रति, तुलनात्मक प्रति, तुलनात्मक प्रति में क्या होता है
इसमें कंपैरिजन किया जाता है, दो या दो से अधिक विज्ञापन प्रतियों का या अलग विज्ञापन दूसरे विज्ञापन प्रतियों का अपने विज्ञापन प्रति से तुलना किया जाता है। देखिए सबसे बेहतर ये, देखिए ये इस्तेमाल करिए, लेकिन सबसे बेहतर मेरा है, क्यों कि देखिए कलर नहीं गया, शाइनिंग नहीं गया, एकदम वैसे ही बरकरार है, उससे भी ज्यादा लाइट आ गया, तमाम चीजें बताई जाती है। ठीक है, अगला इसमें है, इधर लिख देते हैं और कौन कौन सी विज्ञापन प्रति होती है। अगला होता है प्रश्नवाचक प्रति, प्रश्नवाचक प्रति। इसमें क्या होता है कि हर एक विज्ञापन प्रति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है, उसका मतलब यह होता है कि आपसे कुछ प्रश्नों का प्रश्न पूछा गया जिसके उत्तर आपको देने हैं, वह उत्तर आप सोच विचार कर उसमें देंगे, जिसे प्रश्नवाचक प्रति कहा जाता है। एक होता है ख्याति प्रति, ख्याति प्रति। ख्याति प्रति का मतलब होता है कि जब उस वस्तु की जो बनाया है जिसका प्रचार हम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लेते ही उसकी गुडविल बन जाती है, मार्केट उसका बना रहता है, केवल उसका नाम रखिए कि फला ब्रांड है, उसका एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं कि हाँ ये फला कंपनी का, तो ख्याति प्रति कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, ये भी टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक आप लोग का बच गया इसमें विज्ञापन प्रति वाले में। विज्ञापन प्रति में एक क्वेश्चन है कि एक अच्छे विज्ञापन प्रति के आवश्यक गुण क्या है, कभी कभी एक आता है क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में, एक अच्छे विज्ञापन प्रति के आवश्यक आवश्यक। ठीक है, एक अच्छे विज्ञापन प्रति में आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले दिया है कि एक अच्छे विज्ञापन प्रति में निम्न गुणों का समावेश होना चाहिए। वो निम्न गुण में कौन है कि पहला कि विज्ञापन प्रति ऐसी हो जिसको सभी लोग देखे, मैंने देखना चाहिए, पहला क्या होता है देखना चाहिए, मतलब विज्ञापन प्रति हमारी ऐसी हो जिसको हर व्यक्ति हर पब्लिक हर आदमी छोटा बड़ा सब सरलता पूर्वक देख सके। दूसरा कैसे होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मतलब विज्ञापन प्रति हमारी ऐसी हो जिसे हर व्यक्ति आसानी से पढ़ ले, समझ ले, जानकारी हासिल कर ले। सॉरी, अगला क्या है, तीसरा है कि समझना चाहिए, समझना चाहिए कि कुछ विज्ञापन प्रति ऐसी होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति विज्ञापन में कही गई बातों को आसानी से समझ सके और उससे संतुष्ट हो जाए, ताकि सबके समझ में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऐसा विज्ञापन की विषय वस्तु होनी चाहिए जिसके सारे सभी व्यक्तियों के को समझ में आ जाए। अगला है विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, मतलब कि विज्ञापन प्रति ऐसी हो जिस पे जनता आसानी से विश्वास कर ले, अर्थात एड में जो विषय वस्तु दी गई है उसको देखकर, उसको पढ़कर, सुनकर, जानकर लोग विश्वास कर ले कि एकदम जो कहा गया है सही है। ठीक ना, वस्तु होनी चाहिए, अगला वस्तु होनी चाहिए। हमेशा जब देखते होंगे कि जब विज्ञापन किया जाता है तो उसमें जिस वस्तु का विज्ञापन किया जाता है उस वस्तु का भी फोटो उसमें दिखाया जाता है, उसके गुणों और गुणों के बारे में बताया जाता है, तभी ना पता चलेगा वो वस्तु कैसा है, गोरा है, काला है, सफेद है, नीला, हरा, पीला, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, तो उस वस्तु को भी दिखाया जाना चाहिए, अर्थात विज्ञापन पत्र में उस वस्तु का फोटो भी लगा होना चाहिए। इस तरह विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन में आप विज्ञापन प्रति का निर्माण वाला टॉपिक पढ़े, इतने ही बस इसमें इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एक चीज और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारा वीडियो जा रहा है उसको ढूंढ नहीं पा रहे,
तो ढूंढने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूं। यूट्यूब चैनल पर जाइए, बीआर कॉमर्स सर्च करिए, सर्च करने के बाद से खुल जाएगा। तो जो हमारा चैनल का बीआर कॉमर्स का लोगो है उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन बन के आएंगे जिसमें एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितना अब तक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट का वीडियो उस पर मिल जाएगा लाइन से। विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन का मिल जाएगा, मार्केटिंग थर्ड पेपर जो है मार्केटिंग प्रैक्टिस इंडिया का, वो भी मिल जाएगा आपको। आसानी से वहां से देख लीजिएगा, जिस जो वीडियो देखना है वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट से ही मिलेगा। ऐसे ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, काफी दिक्कत होगा। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।